सुन, कहाँ जा रही है? क्या? अरे हम ना वो लेने जा रहे हैं, वो मोमोज के साथ नहीं खाते हैं, सफेद वाली चटनी। वाह, आज तो मोमोज बनाने वाली है। अरे वाह, मुझे भी खिलाना। अरे नहीं नहीं मोमोज नहीं बना रहे हम, वो हमारे बाल ना ऐसे झाड़ू जैसे हो गए। तो हम यूट्यूब पे एक वीडियो देखे जिसमें कहता है कि मेयोनीज लगाओ और अपने बाल को पार्लर जैसे स्पा करो। तो मैं वो लेने जा रही हूँ, आज मैं अपने बालों को लहराती हुई स्पा करूंगी। पागल, मेयोनीज में नमक होता है, मिर्च होता है। अपनी बाल स्पा करेगी नहीं करेगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन ना तेरी चटनी बन जाएगी बालों की। ओहो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सही कह रही है, तो क्या करूं? यानी कि अब मेरे बाल कभी ठीक ही नहीं हो सकते। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तूने कहीं से ऊट पटांग से वीडियो देखी होगी। चल ठीक है, अब नहीं जाती अब हूं। इधर आ, मैं बताती हूँ। तू ना एक काम कर, अभी एल्फर्ट ब्यूटी को सब्सक्राइब कर ले और देख जाके, 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप में इतने स्पा करके बता रहा उसने, और जा रही है मेयोनीज लेने। अच्छा चल आ जा, अच्छा अभी देखते सच्ची हैं। ऐसा भी होता है? दिखा दिखा, वीडियो दिखा, मैं भी देखूंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टूडेज वीडियो इज अबाउट अ स्पा वीडियो विच इज गोइंग टू बी ए 2 स्टेप स्पा। एंड आजकल को पता है ऐसे तो लॉकडाउन चल रहा है, एंड साथ ही साथ अगर हम सलोन में जाते हैं एंड स्पा कराते हैं तो इसमें भी हमारे मिनिमम जो है वो 800 रुपीज से स्पा स्टार्ट होता है। एंड मैक्सिमम अगर आप हेयर फॉल के लिए कोई स्पा कराते हो, इतना ज्यादा स्किम बता देते हैं। मैं पर्सनली जब सलोन में जाया करती थी तो मैं स्पा के लिए 2000 तक पे की हूँ, एंड मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा अमाउंट होता है। मुझे ये लगता है कि अगर हम सिंपल सिंपल से होम रेमेडी से ये चीजें घर पे कर सकते हैं तो फिर स्पा सलोन क्यों। एंड बाय द वे, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसको देख के मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, ट्रस्ट मी। वो क्या था पता है? एक रेप्यूटेड हेयर स्टाइलिस्ट, वो बता रहे थे यूट्यूब पे आके, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बता रहे थे कि बालों में आप लोग मेयोनीज लगाइए, मेयोनीज लगा के स्पा होता है। रियली? मेयोनीज बालों में? मेयोनीज लगा लो। देखिए कुछ चीजें ऐसे होते हैं हम अंधों की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन उस चीज के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हेयर स्किन जो पूरा हमारा कंप्लीट बॉडी है वो इसकी केयर में, मतलब होम रेमेडी इट्स ओके, लेकिन कुछ भी अप्लाई कर लेना किसी की भी बात को सुन के, ये मैं तो नहीं करती। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज रैंडमली ये सारी चीजों को मत कीजिए। जो मेयोनीज होता है उसमें नमक भी होता है, मिर्ची भी होता है, एंड बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इन द सेंस जो मतलब पैकेजिंग को बहुत टाइम स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपको ये मेयोनीज व्योनीज का झंझट नहीं करना, आप हेल्दी चाहते हो, एक हेल्दी ग्रो हो आपके बालों के, तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हेयर स्पा है ये एग्जैक्टली करता क्या है? हेयर स्पा हमारे बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाता है। लेकिन हम लॉजिकली बात करेंगे, जो ये हमारे हेयर के स्ट्रैंड्स होते हैं ये दिन बाय दिन क्या होता है, जैसे हम प्रॉपर हेयर केयर मेंटेन नहीं करते हैं या पॉल्यूशन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो यूवी रेज हमारे बालों को भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना हमारे स्किन को। सूरज की रोशनी जब बालों में पड़ता है तो बालों की डिसकलरेशन एंड रफ हेयर, डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स, ये सारे प्रॉब्लम होते ही है। तो ऐसे में हमें स्पा की बहुत जरूरत पड़ता है, और घर पे स्पा करना बहुत आसान है। सो गाइस, लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस हाउ टू मेक दिस स्पा क्रीम। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, एंड उसके साथ हमें लेना है कोकोनट ऑयल। दिस इज गोइंग टू बी वर्जिन कोकोनट ऑयल। एंड इसके साथ एक लाइम चाहिए जो कि है नींबू, एंड उसके साथ साथ हमें चाहिए मेथी दाना। मुझे लगता है कि ये चीजें घर पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड जरा सा तो इस क्रीम के टेक्सचर को देखो, ये जो सलोन में 2000 रुपीज का हम स्पा क्रीम लगाते हैं ना, बिल्कुल उसका ही टेक्सचर के तरह इसका टेक्सचर है, उतना ही स्मूथ, सॉफ्ट एंड यू नो
सिल्की एंड ये हमारे बालों को एक अच्छा सा साइन देने में कामयाब होगा। तो बनाए शुरू करें, शुरू करते हैं हम इसका प्रोसेस। तो आप एक ब्लेंडिंग जार ले लीजिए एंड उसमें आपको ऐड करना है मिल्क। एंड इसके क्वांटिटी के बारे में बात करता है, कितने अमाउंट में आप बनाओगे तो ये आपके हेयर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली अगर आपके हेयर के वॉल्यूम जितना है उतनी अमाउंट पे ही बनाए, क्योंकि ये क्रीम जैसे ही बनेगा वैसे ही हमें इस्तेमाल करना है। इसको हम स्टोर करके नहीं रखेंगे क्योंकि ये स्टोर नहीं हो पाएगा, आगे बताऊंगी। अभी आपने मिल्क ले लिया, इसमें हम मिक्स करेंगे एक लाइम का जूस एंड इस लाइम के जूस को निकाल लेना है एंड इसमें मिक्स कर देना है। गिव इट अ गुड मिक्स। अभी क्या होगा, दूध फट जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल एंड क्वांटिटी वंस अगेन, अगर आपने 4 टेबलस्पून मिल्क ले रखा है तो उसमें आप मिक्स करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, ये जरूरी है, नोट कर लीजिए। अब हम कोकोनट ऑयल और मिल्क और लेमन को एक मिक्स देंगे। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो इसे हम ग्राइंड करते हैं 1 मिनट के लिए। हम जब इसे ग्राइंड कर लेंगे तो इस ये एक क्रीमी फॉर्मूला बन जाएगा, एक क्रीम सा बन जाएगा। अब आप बार बार चेक करना इसमें एक ब्लेंड देने के बाद कि ये क्रीम में फॉर्मेट हुआ या नहीं, तो ये बहुत आसान है। तो बन गया आपका क्रीम फॉर्मेट, आ गया, मेरा तो बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिक्स करेंगे मेथी दाना। मेथी दाने के गुडनेस के बारे में हम बात करते हैं। मेथी हमारे हेयर के जो स्ट्रैंड्स है वो जो स्प्लिटेंस होता है, जो इसके वॉल्यूम लो होते हैं एंड जो हमारे बाल झड़ते हैं एंड जो हमारे बाल यूवी रे के कंटेक्ट में आता है, जैसे हम धूप में जाते हैं या फिर अपने बालों को हीट देते हैं, उसके वजह से हेयर डैमेज होता है। तो स्पा कराने का हमारा क्या मतलब होता है, होता है कि हम अपने बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट दे सके, हमारे स्ट्रैंड्स को नरिशमेंट दे सके। तो ये जो क्रीम है आपके स्ट्रैंड्स को मजबूत बनाएगा, अपने हेयर फॉलिकल्स को ये प्रमोट करेगा अपनी हेयर ग्रोथ को। तो हो गया, अब हम इसे एक अच्छा सा ब्लेंड दे देंगे ताकि मेथी के दाना भी अच्छी तरीके से क्रीम में पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको और 1 मिनट के लिए हमने ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे रेडी हो गया हमारा सलोन स्टाइल स्पा क्रीम। सो गाइस, दिस इज रियली अमेजिंग एंड इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना क्रीमी है। जब एक चीज का टेक्सचर दिख जाता है ना, जब ये अपने बालों में जाएगा और अपने स्ट्रैंड्स पे जब इसका लेयर कोट होगा, सोचो ये अपने बालों के ऊपर ना एक लैमिनेशन की तरह काम करेगा। सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बाल ये बना के ही देगा, इट्स माय गारंटी टू यू। राइट नाउ आपका क्रीम रेडी हो गया। सो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जैसे ही आप अपने ये स्पा क्रीम को बना ले तो इस सब स्पा क्रीम को आप बिल्कुल भी स्टोर करके ना रखें। इसको बनाने के तुरंत बाद आप रेडी होना चाहिए कि आपको इसे अप्लाई करना है। क्यों, अगर इसे आप ज्यादा टाइम तक स्टोर करते हो, 1-2 घंटा रख देते हो, तो क्या होता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द ऑयल एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑयल के एंड दूध के एंड लाइम के, ये जब एक साथ फॉर्म हो जाता है तो ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाता है, ये ऐसा ना दाना दाना सा बन जाएगा, तो आपके बाल में ये अप्लाई नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने इस क्रीम को रेडी कर लिया, लगाना है। अब क्या पार्ट आता है, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है। बिफोर दैट आप अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू करके रख दे। और स्पा का सबसे पहला प्रोसेस होता है हेयर क्लीनिंग, तो आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, जो सिलिकॉन एंड सल्फेट फ्री होता है वो शैम्पू यूज करने से हमारे हेयर के लिए काफी अच्छा होता है। तो हमने शैम्पू यूज कर लिया, नाउ योर हेयर इज रेडी टू अप्लाई दिस क्रीम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे बालों को हल्का सा गीला करना है। आपके पास अगर स्प्रेयर बॉटल है तो आप इस तरीके से बॉटल ले सकते हैं एंड इसके साथ साथ अपने बालों को हल्के हाथों से गीला कर दीजिए। गीले बालों में स्पा का जो क्रीम होता है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है, जिसके वजह से हमारे हेयर के जो स्ट्रैंड्स है उसके अंदर ही क्रीम के गुडनेस अंदर मिल जाता है। क्योंकि ये क्या होगा ना, अपने बाल को एक मॉइस्चर के साथ पकड़ के रखेगा, एक लॉक प्रोवाइड करेगा जो हमारे हेयर को, जो हेयर फॉलिकल्स है उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ बनाएगा। एंड इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ उसे ही आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आप सलोन में देखते हैं ना, वो लोग 45 मिनट्स अपने हेयर को मसाज देते हैं,
क्यों? मसाज से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। तो आप 20 मिनट तक अपने बालों को, अपने हेयर्स को इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथों से मसाज कीजिए एंड इसको टॉप टू, मतलब जैसे अपने स्काल्प से लेके बालों के एंड तक आपको लगाना है, क्योंकि हमें स्प्लिटेंट्स रोकना है, हमें हेयर फॉल रोकना है, डैंड्रफ रोकना है, तो सारे प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए हमें इस क्रीम को अच्छी तरीके से एक एक हेयर पे अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कराना है। कर रहे हो मसाज अच्छे से हल्के हाथों से एंड मसाज को ना आप एंजॉय करो, कोई ये अपना फेवरेट सा गाना लगा लो। सो इसके साथ क्या होता है ना, बोर नहीं फील करते हो। अगर आप अपने हेयर को सिल्की साइनी स्मूथ, जैसे आप सलोन में जाके 2000 रुपीज देते हो एंड 10 रुपए में आप घर पे अपने बालों को इस तरीके से सलोन स्टाइल स्पा कर रहे हो अपने आप से आत्मनिर्भर बन के, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो इस प्रोसेस को काफी एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अपने स्किन केयर, हेयर केयर, इन सब चीजों के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर केमिकल प्रोसेस के थ्रू से जाना चाहते हो, वो लॉन्ग टाइम पे जाके धीरे 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 हमारे बालों को क्या करता है, डैमेज करता है। इसीलिए आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आप कोई कॉस्मेटिक लगा रहे हो, कोई होम रेमेडी लगा रहे हो, ये चीज ध्यान में रखो कि इसमें मिक्स क्या किया जा रहा है, उसका कंपोजिशन क्या है एंड उसका क्या काम है। इस चीज को ध्यान में रख के हम चीजों को अप्लाई करेंगे। लेट्स, अभी आपका क्या हुआ, क्रीम अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जो जरूरी पार्ट है वो है स्टीम देना बालों को। तो हम स्टीम कैसे देंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टीम टॉवल मेथड। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम अपने बालों को स्टीम देंगे तो ज्यादा हीट के वजह से हमारे बाल डैमेज हो सकते हैं। तो स्टीम टॉवल मेथड क्या है, आसान सी बात है, एक क्लीन टॉवल लेना है, गर्म पानी में इस क्लीन टॉवल को भिगोना है एंड अच्छे तरीके से इसको आपको निचोड़ देना है एंड इसके अंदर स्टीम लॉक हो जाएगा। राइट नाउ आपको इस क्लीन, जो आपके ये जो टॉवल है, इसको अपने बालों पे रैप कर देना है। यहाँ पे एक जरूरी चीज है जिसे नोट डाउन करना है, अगर आपने हाल फिलहाल में स्मूदनिंग केराटिन करवाए हो तो आपको इस स्टीम टॉवल को सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने बालों में रखना है। अगर आपके हेयर वर्जिन है तो फिर नो नीड टू वरी, आप 10 मिनट के लिए ये जो टॉवल है इसको अपने बालों पे लॉक कर सकते हो एंड इस तरीके से अपने अपने बालों को टॉवल से रैप कर दिया। अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए तो बालों के साथ कुछ तोड़ मरोड़ चोटी कुछ मत बनाना प्लीज, क्योंकि स्पा के बाद एक स्ट्रेट हेयर बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया आपका रैपिंग। राइट नाउ आप क्या करोगे, तो अभी हमें अपने हेयर को वॉश करना है। तो हेयर वॉश करने के लिए एक माइल्ड शैम्पू का हम इस्तेमाल करेंगे, वो माइल्ड शैम्पू और कंडीशनर की कोई जरूरत नहीं है विदाउट ए कंडीशनर, क्योंकि जो हमने स्पा क्रीम लगाया है ना वो इटसेल्फ एक कंडीशनर ही है। तो अभी आप जाओ एंड अपने हेयर को एक अच्छा सा शैम्पू दे दो। Done with your shampoo? Right now, what next? अभी ड्रायर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जब हम स्पा करते हैं हमारे स्पा के बाद बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाता है, हीट देने से ये मॉइस्चर हमारे अनलॉक हो सकते हैं। तो आप अपने बालों को नेचुरल हवा से सूखने दीजिए। अगर बहुत हरी में हो, कहीं जाना है, तो एक ड्रायर में ना कोल्ड मोड होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले वो अपने बालों को टॉवल से पैट ड्राई कर लो एंड उसके बाद कोल्ड मोड से अपने बालों को आप सुखा लीजिए। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो प्लीज आप नेचुरल एयर में अपने बालों को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि आपके बालों में क्या सुपर साइन आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बाद आप एक हेयर सीरम लीजिए। हेयर सीरम कौन सा, कोई भी हेयर सीरम आप ले सकते हैं एंड इसको अच्छी तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर दीजिए एंड हेयर सीरम लगाने के बाद आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ साइनी एंड सॉफ्ट हो जाएगा। सो आपने सीरम लगा लिया, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस क्रीम। दिस क्रीम गिव्स यू द रिजल्ट लाइक सलोन एंड इसके बारे में एक चीज जो खासियत है वो क्या बताऊं मैं, जब आप यूज करोगे ना तब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। एक तो इंग्रेडिएंट्स की खूबियां है इसमें, दूसरी चीज इसमें क्या है,
सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आपको 2000 वाली रिजल्ट मिल रही है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। एंड एफर्ट एफर्ट इतना कम लगता है कि आप तो मतलब हर हफ्ते इसको कर सकते हो। राइट नाउ आप कब कब इसको करें, देखिए इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, तो आप इसे हफ्ते में एक बार यूज करें, 15 दिन में एक बार अगर यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा आलस हो सुपर लेजी हो तो महीने में एक बार यूज करो। जितना ज्यादा अपने बाल को नरिशमेंट दोगे उतना हेयर ग्रोथ होगा, सिंपल। अब हु कैन यूज दस, अगर आप टीन एज में हो, 30 में हो, 20 में, 40 में, कोई भी एज ग्रुप के आप हो, मैटर नहीं करता। बाल को प्रेप करने के लिए ना कोई एज ही नहीं होता है, नो बाउंडेशन, आप इसको कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज जो जरूरी है, डोंट स्टोर दिस क्रीम, इस क्रीम को आपको स्टोर नहीं करना है, मैंने बताया, इसको जैसे ही स्टोर करोगे ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, फिर बाद में मुझे मत बोलना। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आए उसमें आपकी अपियरेंस हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका दास, जो आपको यह स्क्रीन पे दिख रही है, अदरवाइज मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। एंड जो कोकोनट ऑयल है उसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो आपको इसको एक फोटो क्लिक करना है एप्लीकेशन के साथ एंड इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है, उससे क्या होगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपकी फोटो एंड आपकी एक्सपीरियंस स्क्रीन पे शेयर होगा, तो है ना इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो, गो एंड ट्राई देन लेट मी नो द रिजल्ट इन द कमेंट बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।